नमस्कार, इंडिया टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। झालावाड़ रेडर सरकार ने सुरक्षित प्रसव कराने के लिए गांवों में स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए हैं, जहां प्रशिक्षित नर्सों द्वारा सुरक्षित प्रसव कराया जाता है। लेकिन रेडर स्वास्थ्य केंद्र पर 23 मई 2021 को प्रसव के लिए कुछ महिलाएं आई तो वहां तैनात नर्स कृष्णा कुमारी दुबे ने केंद्र पर महिलाओं का प्रसव खुद न करके अपनी बहू सीमा दुबे से करवाया, जिसको प्रसव का कोई अनुभव नहीं था और न ही कोई डिग्री है। वह प्रशिक्षित भी नहीं है और सरकारी कर्मचारी भी नहीं है, जिसका खामियाजा प्रसव को आई महिलाओं को अपने नवजात बच्चों की मौत के रूप में मिला। महिलाओं के बच्चों के मरने की सूचना दी गई तो वहां मौजूद परिजन दहाड़े मारकर रोने लगे। पीड़ित लोग न्याय के लिए रेडर थाने पहुंचे तो पुलिस ने एक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक कहावत है कि जिसका जाता है उसी को दर्द होता है, लेकिन वहां ईमानदार पुलिस अधीक्षक की पुलिस रेडर पुलिस ने अभी स्टाफ नर्स और उसकी बहू सीमा दुबे पर कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित परिजनों ने कहा कि इस मामले में सबकी मिलीभगत समझ में आ रही है। अपर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने कहा है कि मामले की जांच कराई जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये 23 की बात है, दिनांक 23/5/21 की। थाने में उनके परिजन आए थे, उनका आरोप था कि वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेडर प्रसव केंद्र है, तो उन्होंने लापरवाही किया है। इसका जो प्रोसीजर है, माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि पहले इसकी प्राथमिक जांच होनी चाहिए, तो CMO और डॉक्टर को भी नॉलेज में वहाँ गई थी, समझाया गया और जाँच हो रही है। जाँच के आधार पर यदि इनकी लापरवाही पाई जाती है तो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाए। यह सचों को CO को निर्देशित कर दिया।